सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन।
शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्ते। हंसयुक्ता विमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणी कौशंबः शरिके देवी नारायणी नमस्ते। त्रिशूलचंद्राहिरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्ते। मयूरकुक्कुटभृते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्ते। शङ्खचक्र गदाचारङ्गीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्ते। गृहीतोग्र महाचक्र दशोधृतवसुन्दरे बराहरूपिणी शिवे नारायणी नमस्ते। नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्याभिगोतमे त्रैलोक्यदानसहिते नारायणी नमस्ते। यरीतिणी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरिचैन्द्रे नारायणी नमस्ते। शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्ये महाबले गौररूपे महारावे नारायणी नमस्ते। दशाकरालवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमदने नारायणी नमस्ते। लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वरे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्ते। नेत्रे सरस्वतीवरे भूतिवाब्रवीतामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमस्ते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहिणो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। श्रीमत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पारुणः सर्ववीथिभ्यः कात्यायनी नमस्ते। ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो वीतिर्भद्रकाली नमस्ते। हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेन पूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नाशुसानिव असुरा शृग्वसा पङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वल शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता भयम् रोगानशेषानपहंसृदुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानविष्टा त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाक्षयतां प्रयान्ति एताकृतं जत्कदणां प्रयाद्य धर्माद्विषां देवि महासुराणां रूपेरनेकैर्बहुधात्वमूर्ति कृत्वाम्बिकेता प्रकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु च का त्वदन्य ममात्वगतेति महान्धकारे विभ्रामयते तदीव विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नाग यत्रारयोतस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाभिमध्य तत्र स्थिता त्वां परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम् विश्वेश बन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रयाजे त्वयि भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालयनोरवीते नित्यं यदा सुरभदा ददुनेव सद्य
पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पादपाकजनितांश्च मोहोपसर्गान् प्रणतानां हृदयत्वं देवि विश्वातिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामे त्रैलोकानां वरदा भव देव्योवाच भरदाहं सुरगणा वरं जनमनसे चदा तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवा ऊचु सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वयाकार्यम् अस्मद्भरि विनाशनम् देव्योवाच नैव स्वरेन्दरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भसेवान उत्पत्ते महासुरो नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौनाश इच्छामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यतिरोत्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्याहनिष्यामि प्रचित्तान् सुदानवान् वक्षयन्त्राञ्च दानोग्रा प्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति गाढिमे कुसपोपमः तत मम देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्यामनाभृष्ट्यामनम्बसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यामि योनिजा ततः यतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि जन्मणि कीर्तयिष्यन्ति मनुजः शताक्षीमिति मां तदा ततोऽहमजं लोकम् आत्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुराशाके आवृष्टेः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्यामहं भुवि तत्रैव वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षासि रक्षयिष्यामि मुनीनां प्राणकारणात् तदा मा मुनयः सर्वे सोच्यन्ध्यानं प्रमूर्तयः भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति जदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं ब्राह्मणं रूपं कृत्वा सङ्ख्ये सर्वदं त्रैलोक्यस्य हि दाताय वदिष्यामि महासुरं ब्राह्मरीति च मां लोकास्तदा शोष्यन्ति सर्वदा इत्थं यदा यदा बाधा दानवोता भविष्यति तदा तदा वीर्याहं करिष्यामि संख्यम् सभी धर्म प्रेमी भक्तजनों का मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के दरबार में हार्दिक अभिनंदन। इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की सायंकालीन आरती का पवित्र समय है। इस दिव्य गुफा के अंदर परम पूज्य पुजारी जी एवं विद्वानों द्वारा वैदिक मंत्रों से मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के षोडशोपचार पिंडी स्वरूप की षोडशोपचार विधि से पूजा की जा रही है तथा आप सभी धर्म प्रेमी भक्तजन मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के चरणों में बैठकर विद्वानों द्वारा विश्व कल्याणार्थ किए जा रहे श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का श्रवण कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सब का कल्याण निहित है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि मां भगवती की अपार कृपा से आज हम सबको आरती के समय मां के चरणों में बैठकर मां की स्तुति करने का पाठ करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। ऐसा समय जीवन में हमें बार बार प्राप्त नहीं होता। पूर्व जन्मों में किए हुए हमारे पुण्य कर्म जब उदय होते हैं
और उनका फल जब हमारे सामने उपस्थित होता है तो उसी समय हमारे मन में ये विचार आते हैं कि क्यों ना हम कोई सत्कर्म करें, दान पुण्य करें, यज्ञ करें, तीर्थ यात्रा करें, सत्संग करें, तो ये तभी संभव है, क्योंकि जब तक हमारे मन में पाप विद्यमान है तब तक हम सत्कर्मों से दूर रहते हैं और वे पाप कर्म हमें सत्कर्म नहीं करने देते, और जब पुण्य उदय होते हैं तो तभी हमारे मन में इस प्रकार के सद्विचार उत्पन्न होते हैं। तो आरती के समय का बहुत बड़ा महत्व है। आरती के समय समस्त देवतागण मां भगवती की आरती में सम्मिलित होने के लिए सूक्ष्म रूप से मां के चरणों में उपस्थित होकर मां की करबद्ध स्तुति करते हैं, और आरती के समय मां के आशीर्वाद के साथ साथ हमें उन सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इसलिए आरती के समय का बहुत बड़ा महत्व है। जिन स्तोत्रों के द्वारा मां के चरणों में बैठकर हम स्तुति करते हैं वे स्तोत्र परम कल्याणकारी हैं। इनका नित्य प्रति पाठ करने से हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, और अनेक प्रकार की जो आदि व्याधियां हैं वह दूर होती हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है। तो सभी भक्तजनों से निवेदन है कि मां भगवती वैष्णो देवी जी के चरणों का ध्यान करते हुए एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र पाठ का श्रवण करें। ध्यानम् ॐ विद्युत्तमसः प्रभाम् मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्यां विकरवालजेटविलस हस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखाश चापं गृणं तर्जने विप्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ देव्युवाच एभिस्तवेश्वमां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयं मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति एतद्वद्पदं शुम्भं शुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसा श्रोष्यन्ति चैव ये भक्ता मम माहात्म्योत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोऽथा न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष वियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानलतो योगा कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्मनेतन्मात्रं प्रणीतभ्यं समाहितैः श्रोतभ्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनमेत भूस्वर्गान् शेषांसो महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमये मम यत्रैतत् पठ्यते सम्यग् नित्यमायतने मम सदा तद्विमोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता पापी बलिपूजां तथा कृताम् प्रतिशिक्षामयं प्रीत्या भण्डिरोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिके तस्यामेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः
पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयात्मान् ऋपवः संजयं जान्ते कल्याणं च प्रपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां महात्म्यं मम शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने गृहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गः शमं जाति गृहपीडाश्च दारुणा दुःस्वप्नं च निवेदिष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालगृहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्गातवेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परम् रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेवनाशनम् सर्वं ममेतन्महात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पाद्यधूपैश्च गन्धदीपैस्ततोत्तमैः विप्राणां भोजनै होमै प्रोक्षणीयैर्हर्निशम् अन्यै च विविधै भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सस्मिन् सकृषु चरितेषु ते श्रुतं हरति पापानि तथा रोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं जन्मे दुष्टदैत्यनिवर्हणम् तस्मिन् श्रुते भैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयोजाश्च याश्च ब्रह्मविषिभिकृताः ब्रह्मणा च कृतास्तासु प्रयच्छन्तेषु वां मति अरण्ये प्रान्तरे वाप्रीता वाग्मी परिवारितः दस्यभिर्वावृता शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुजातो वा बने वा वनहस्तिभिः राज्ञाकृत्तेन राज्ञस्तो बद्धो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा पातेन स्थिता पोते महानवे फलदोषापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यार्जितोऽपि वा समर्मलेतचरितं नरो मुच्येत सङ्कटा मम प्रभावा सिंहाद्या तस्य भोगैरिणस्तः दूरादेव पलायन्ते सरतश्चरितं मम ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत देवदेवा निरातङ्कः स्वाधिकाराञ्जता पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रोर्गणीहतार्यः दैत्याचरेभ्यः निहत शुम्भे देवानियोजति जगद्विध्वंसने तस्मिन् महाग्रेतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तै तन्मोयते विश्वं सेव विश्वं प्रसूयते सा जाचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तये तत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेवसृष्टिर्भवत्यया श्रीकरोति भूतानां सेवकाले सनातनी भवकाले नृणां सेवा लक्ष्मीर्वृद्धिर्वदाग्रे सेवा भावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सुधा सम्भोजिता पुष्पे धूपगन्धादिविस्तता ददाति वित्तं पुत्रां च मतिं धर्मे गतिं चुर्वा अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिववाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमस्तवम् येन मन्त्र प्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत् न कवचं न जला स्तोत्रम् कीलकम् न रहस्यकम् न सूक्तं नापि ध्यानं च नान्यासो न च वाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अधिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वति मारणमोहनं वशं सम्बनो चाटनादिकम् पारमात्रेण संसिद्ध कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हूं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल
प्रज्वल प्रज्वल ह्रीं ह्रीं क्लीं च मुण्डाये विच्चे ज्वल हं सं लं शं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनि नमः केतवहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनि जाग्रतमही महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऋङ्गारी सृष्टिरूपाय ऋङ्गारी प्रतिपालिका ऋङ्गारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्ते चामुण्डा चण्डगाती च जयकारी वरदायिनि दिच्छे च वजदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि दां दीं धूं दुर्जटे पतने भां भीं भुं भागधीश्वरि ग्रां ग्रीं क्रों कालिका देवी शांशीं शुं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिण्ये जं 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 भनादिनि भ्रां ह्रीं भ्रों भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः अङ्कं चं तं तं पं जं छं वीं तुं ऐं वीं हं छं दिजाग्रं दिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा भां भीं भुं पार्वती पूर्णा कां घीं सुं केसरी तदा सां श्रीं सुं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अवक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी श्रीणां सप्तशतीं वढे न तस्य जायते सिद्धिरण्ये रोदनं जथा दुर्गा आपद्दुधाराष्टकम् नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणी दुर्गे अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य भयातस्य भीतस्य वसस्य यन्तो त्वमेका गतिर्देवि निस्तारकर्त्री नमस्ते जगत्तारिणी दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये जले सङ्कटे राजगेहे प्रभाते त्वमेका गतिर्देवि निस्तारयतु नमस्ते जगत्तारिणी दुर्गे अपारे महादुस्तरे त्यक्तघोरे विपत्सागरे वज्रताम्रेहवाजा त्वमेका गतिर्देवि निस्तारनौका नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमः चण्डिके चण्डदोर्दण्डलीला समुत्खण्डिता कण्डलाशेषशत्रो त्वमेका गतिर्विघ्नचन्दोहर्त्री नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे त्वमेका सदाराधिता सत्यवादी जनेका किला क्रोधना क्रोधनिष्ठा
इडा पिंगला त्वं शुचुम्ना च नारि नमस्ते जगत्तारमित्राय दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनादे सदा सर्वसिद्धि प्रदात्रे स्वरूपे विभूति सदाङ्गाल रात्रि स्वरूपे नमस्ते जगत्तारनेत्राय दुर्गे शरणमदे सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिधनुजवराणां व्याधिविपीडितानां निरतिग्रहगतानां दशविस्तासितानां त्वमसि शरणमेका देवि दुर्गे प्रसीद श्री भगवती स्तोत्रं जय भगवती देवी नमोऽवरदे जय Come on.
क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासोऽयमिति मां हत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि जतोजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोचरेत् जाङ्गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयासुरा सापादोऽस्मि शरणं प्राप्तस्वां जगदम्बिके इदानीमनुगम्योऽहम् यथेष्यसि तथा कुरु अज्ञानाद्विस्मितेर्भ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्माता सच्चिदानन्दविग्रहे ज्ञानार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि गुह्यातिगुह्यगोत्रीत्वं गृहात्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवि हे मई मेरी सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों इस तरह माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के चरणों में बैठकर हम सब ने बड़े भक्ति भाव से मां भगवती की स्तुति की पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां हमारे द्वारा किया गया जो स्तुति पाठ इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। और इस स्तुति पाठ में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा दान दो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन एक स्वर से श्रद्धा पूर्वक मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार अक्षर का नाद करेंगे। सब मिलकर के बोलेंगे सांचे दरबार की। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों
इस समय माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती का पवित्र समय है। इस दिव्य गुफा के अंदर माँ भगवती जगजननी तीन प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। माँ भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है। केवल शीश रूप में माँ भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। माँ भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जल धारा सदैव प्रवाहित होती रहती है। जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके माँ भगवती के दर्शनों के लिए माँ के चरणों में उपस्थित होते हैं, माँ भगवती अपने नाम एवं गुणानुसार सभी शरणागत भक्तों को तीन प्रकार के आशीर्वाद प्रदान करती हैं, शक्ति, ज्ञान और ऐश्वर्य, जिनके द्वारा हम संसार में अनेक प्रकार के सत्कर्म करते हुए अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि बिना शक्ति के हमारा संसार में रहना असंभव है और बिना धन के हमारा जीवन यापन करना भी बहुत ही कठिन हो जाता है और बिना बुद्धि के, बिना ज्ञान के हम संसार में अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते। कौन सा कर्म करने योग्य है और किस कर्म के करने से हमारी दुर्गति होगी, इसका आभास हमें ज्ञान के द्वारा होता है और माँ भगवती की कृपा से हमें शक्ति, धन एवं ज्ञान का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन जो है वह धन्य हो जाता है। माँ भगवती इस संसार के कण कण में व्याप्त है। सर्वरूपमयम देवी सर्वम देवी मयम जगत। माँ भगवती जे संसार जितना भी है जे सब देवीमय है और सर्वम देवी मयम जगत। जितना भी इस संसार में हमें दिखाई देता है, जितने भी रूप अलग अलग हमें दिखाई देते हैं, वह सारे उसी के रूप हैं, उसी का अंश उनमें विद्यमान है। परंतु फिर भी हम अपने से उनको भिन्न मानते हैं और यही कारण है कि हम संसार में कईयों से तो प्रेम करते हैं और कईयों से घृणा करते हैं। जिनसे हम घृणा करते हैं उनमें भी उसी का अंश है जो अंश हमारे अंदर विद्यमान है। इसलिए जब हम सबको एक समान उसका अंश समझेंगे, अपने में और उसमें कोई भेद नहीं जानेंगे, तो हमारी लड़ाई जो है वह समाप्त हो जाएगी और लड़ाई का एक और कारण है, वह है हमारा स्वभाव। हम सबका एक ही रूप हो तो भी संसार में काम नहीं चलता। एक ही वस्तु हो, एक ही सृष्टि हो तो भी काम नहीं चलता। हमारा स्वभाव जो है ये भिन्न भिन्न है। उसका कारण है कि हमारे पूर्व जन्मों में हमने जो कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार ही हमारा स्वभाव जो है वो बनता है और हमारे संबंध बनते हैं। पूर्व जन्मों में जिसके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं और उसके प्रति
हमारी इस जन्म में भी दया भाव बना रहता है और जिनके साथ हमारे शत्रु भाव के संबंध हैं, तो इस जन्म में भी आकर हम उनसे शत्रुता ही करते हैं और स्वभाव जो है ये सबका अलग अलग है। हम एक परिवार में दो चार पांच सदस्य जितने भी हैं, परिवार एक ही है, परंतु सब कुछ समान रूप से हम ग्रहण करते हैं, एक समान हम खाते हैं, एक समान सब प्रकार से हम मिलजुल कर रहते हैं, फिर भी हम एक दूसरे से हमारे मतभेद बने रहते हैं। कुछ ना कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें एक दूसरे की अच्छी नहीं लगती, चाहे फिर भी जहां तक हो सके परिवार में अगर रहना है तो हमें उनसे समझौता करके ही रहना पड़ता है। इसी प्रकार समाज में भी हमारी यही हमारा यही रूप है और समाज के भी कुछ सदस्य वो ऐसे होते हैं जिनसे हमारा घनिष्ठ संबंध होता है और कईयों से हमारे अधिक मतभेद होते हैं, विरोधी होते हैं, परंतु जब समाज के ऊपर कोई समस्या आती है तो हम अपने उन विरोधों को भुलाकर हमें एक होकर अगर हम उस समस्या का समाधान ढूंढेंगे, उस विपत्ति का मुकाबला करेंगे तो हम उसमें सफल होंगे। अगर हम ये काम नहीं करते, आपस में तालमेल नहीं रखते, तो क्या होता है, समाज में विघटन होता है और उससे किसी का नुकसान नहीं होता, हमारा अपना ही नुकसान होता है, क्योंकि दूसरा जो आक्रमणकारी है वह उस विघटन का फायदा लेके, लाभ लेके वह हमारे को जो है वह मतभेद विस्फोट करके हमारे अंदर एक दूसरे से लड़ाकर फूट डालकर वह उसका लाभ लेकर वह अपना स्वामित्व हमारे ऊपर स्थापित कर देता है। इसी प्रकार हमारा देश है, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के मतभेद हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग हैं और जब हमारे देश के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो अगर हम एक होकर उसका मुकाबला करेंगे तो हमारे देश में भी कभी कोई आक्रमणकारी किसी भी प्रकार का जो है वह सफल नहीं हो सकता और हम जो है एक साथ एकता के सूत्र में बंध कर अगर रहते हैं, जिस प्रकार हम परिवार में आपस में एक दूसरे को सहन करते हैं, इसी प्रकार समाज में और देश में भी हम अगर सहन करें एक दूसरे को तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहने का भाव यही है कि जहां भी रहें हम एक साथ एकजुट होकर रहें तो हमारा अवश्य ही कल्याण होगा, उसमें हम सबकी भलाई है। मां भगवती अपने बच्चों पर कृपा करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब बालक छोटा होता है तो मां जो है उसकी हर प्रकार से उसकी रक्षा करती है। बालक जब बड़ा हो जाता है तब भी मां के लिए वह बच्चा ही है, बेटा ही है, और मां बूढ़ी हो जाती है, बेटा भी वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगता है, तब भी मां के लिए वो बेटा ही है। इसलिए मां सदैव जो है उसका ध्यान रखती है, परंतु हम आज के युग में कितना ध्यान रखते हैं ये बात जो है विचार करने की है। एक बार की बात है,
भगवान कितने दयालु हैं, वह जो भी लीला करते हैं वह हमारे हित के लिए करते हैं, और उन लीलाओं में उनका बहुत ही प्रेम छुपा होता है, कुछ रहस्य होते हैं। भक्त और भगवान जो हैं वह सबके कल्याण के लिए ही विचार करते हैं। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका में चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तो समुद्र के पास पहुंचे तो वहां देखा तो इसको कैसे पार करना है, तो सबने विचार करने के उपरांत ये सलाह दी कि समुद्र के ऊपर पुल बांधा जाए, उसके लिए हमारे पास जो नल नील हैं इनके अंदर ऐसी कला है कि जे समुद्र के ऊपर पुल को बांध सकते हैं। 100 योजन लंबा पुल जो है, इतना लंबा पुल कैसे बांधा जाए? तो नल नील ने कहा इसके लिए हम अवश्य ही प्रयास करेंगे। तो अब नल नील भगवान राम के आदेश के अनुसार नल नील ने कार्य आरंभ किया और सभी वानरों से शिलाएं लाने के लिए कहा, और सब वानर शिलाएं लाते गए और नल नील उसके ऊपर राम राम लिखकर जल में छोड़ते गए, और वह पत्थर जो है, वह शिला जो है, वह जल में तैरने लगी और एक के साथ दूसरे को जोड़ जोड़ कर वह पुल बनाने लगे। भगवान राम जी के मन में एक बात आई कि जे नल नील जो है वह मेरा नाम लिखकर पत्थर को जल में छोड़ रहे हैं, तो पत्थर तैरते हैं, क्या मुझ में इतनी शक्ति है कि मेरा नाम लिखने से पत्थर तैर जाए? तो उन्होंने वहां से एक छोटा सा पत्थर उठाया, तो उस पत्थर को लेकर दाएं बाएं देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, और वह पत्थर लेकर उस पत्थर को जल में छोड़ा। तो जैसे ही वह पत्थर जल में छोड़ा तो वह पत्थर जो है डूब गया। अब भगवान ने फिर इधर उधर देखा कि मेरी इस हरकत को कोई देख तो नहीं रहा। हनुमान जी जो हैं उनकी सदैव भगवान के चरणों में ही ध्यान होता है और उनकी नजर भगवान के चरणों में रहती है। वह कोई भी कार्य करें उनकी दृष्टि भगवान के चरणों में सदैव रहती है। तो जब भगवान ने इधर उधर देखा तो हनुमान जी ने कहा कि हे भगवान, ये कौन सी लीला कर रहे हैं आप? भगवान कहने लगे, हे हनुमान जी, मैं यही सोच रहा था क्या मेरे नाम में इतनी शक्ति है कि जिन पत्थरों के ऊपर मेरा नाम लिखा जाता है वह तैरने लगते हैं, तो मैंने कहा मैं भी एक पत्थर छोड़कर देखूं, वह तो डूब गया। उस समय एक भक्त की जो सोच होती है वह सदा प्रेरणादायक होती है, और उस समय हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा कि हे भगवान, जिसके हृदय पर आपका नाम अंकित हो जाए वह कभी डूब नहीं सकता, और जिसको आपने अपने हाथों से अलग कर दिया उसको कोई डूबने से बचा नहीं सकता। आपने उसको छोड़ा और जिसको आपके नाम के द्वारा उसके हृदय को पकड़ लिया
वह कभी इस संसार में तो क्या भव सागर से भी पार हो जाता है, तर जाता है। तो इसलिए कहने का भाव जो है कि हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय में जब तक भगवान के नाम अंकित नहीं होंगे, लिखे नहीं जाएंगे, तब तक हम संसार में भटकते रहेंगे। और इसलिए सदैव भगवान के नाम का सत्संग हमें करना चाहिए। भगवान के नाम को जब तक हम पकड़ कर रखेंगे, तब तक हम संसार में कितने भी कष्ट आ जाएं, कितने भी दुख आ जाएं, कितने भी भवसागर आ जाएं, उनमें हम सफल होंगे। और जब हम भगवान के नाम को छोड़कर हम संसारिक बंधनों में फंस जाएंगे, तब हमें डूबने से कोई नहीं बचा सकता। बोल सांचे दरबार की जय। कहा भी है, श्वास श्वास हरि नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आना होए ना होए। इसलिए ये जो जीवन जितना भी हमें मिला है, इसकी कोई आयु की सीमा नहीं है। कब समाप्त होना है? बचपन में समाप्त हो जाएगा, जवानी में समाप्त हो जाएगा, बुढ़ापे में समाप्त हो जाएगा। ये कब हो जाएगा अगले पल की किसी को भी खबर नहीं। इसलिए सदैव जो भी हम काम करें, जिस भी कार्य में अगर हम लगे रहें, उसमें अगर भगवान का स्मरण हम करते रहें, तो हमारा वो काम जो है वो काम ना होकर राममय बन जाएगा। इसलिए सभी भक्तजन इस समय माँ भगवती के चरणों में बैठकर भजनों के द्वारा भगवान के नाम का सत्संग करेंगे। तो इस समय सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा श्री मणिंदर जी से, वह अपना एक भजन माँ के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। श्री मणिंदर जी, जयकारा शेरवाली जी का। हमने अलख जगानी है तेरे दरवाजे पे, हमने अलख जगानी जगा।
क्या है इच्छा क्या बतलाए घट घट की तू जाने माँ घट घट की तू जाने माँ घट घट की तू जाने माँ क्या है इच्छा क्या बतलाए घट घट की तू जाने माँ घट घट की तू जाने माँ घट घट की तू जाने माँ आशा पेड़ को फल तू लगा दे अब तो किसी बहाने माँ अब तो इसी बहाने माँ अब तो इसी बहाने माँ आशा पेड़ को फल तू लगा दे अब तो किसी बहाने किसी बहाने माँ अब किसी बहाने माँ फिर झोली फैला ली है तेरे दरवाजे पे 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 हमने अलख जगा ली है तेरे दरवाजे पे हमने अलख जगा ली है तेरे दरवाजे हो भैया करुणा करो हो भैया करुणा करो हो मेरी चिंता हरो मेरी चिंता हरो हो खाली दामन धरो खाली दामन धरो हो अब देर ना करो अब देर ना करो कभी न कोई जाता है खाली कभी न कोई जाता है तेरे खजानों से तो मैया खाली कभी न कोई जाता है खाली कभी न कोई जाता है खाली कभी न कोई जाता है श्रद्धा भाव और प्रेम से मांगो तू मांगा फल पाता है तू मांगा फल पाता है श्रद्धा भाव और प्रेम से मांगो रूमा का फल पाता है रूमा का फल पाता है रूमा का फल पाता है अपने रहमत पाली है तेरे दरवाजे पे अपने रहमत पाली है तेरे दरवाजे पे अपने अलख जगाली है ठुकराएगी माँ बिनती कभी न ठुकराएगी
वाली है तेरे दरबार में हो पे सच्चे दरबार की जय। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री सुरेश जी से, वह अपना एक भजन माँ के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। सुरेश जी जय कर मेरे शेरों वाले मैया जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। भावना की भूखी है माँ, भावना की भूखी है माँ, और भावना ही एक सार है। भावना की भूखी है माँ, और भावना ही एक सार है। भावना की भूखी है माँ, और भावना ही एक सार है। भावना की भूखी है माँ, और भावना ही एक सार है। भावना से माँ को जो भजे उसका तो बेड़ा पार है। भावना से माँ को जो भजे उसका तो बेड़ा पार है। भावना से माँ को जो भजे तो बेड़ा पार है। भावना से माँ को जो बजे उसका तो बेड़ा पार है। भावना की जहो भावना की भूखी है माँ, भावना एक सार है। भावना की भूखी है माँ, और भावना की चाहिए।
सुनती नहीं, भाव बिना सुना पुकारे तो मां सुनती नहीं, भाव बिना सुना पुकारे तो मां सुनती नहीं, भाव बिना सुना पुकारे तो मां सुनती नहीं, भावना की एक तेर भी, भावना की एक तेर भी करती माँ को लाचार हो, भावना की एक तेर भी करती माँ को लाचार है, भावना की भूखी है माँ पर भावना की एक तार है, भावना की भूखी है माँ पर भावना ही एक तार है, भावना की भूखी है माँ पर भावना ही एक तार है, भावना की भूखी है माँ और भावना ही एक तार है, भावना से माँ को जो भजे उसका तो बेड़ा पार है, भावना से माँ को जो भजे उसका तो बेड़ा पार है, भावना की जहो भावना की जहो भावना की भूखी है माँ पर भावना ही एक तार है, भावना की भूखी है माँ और भावना ही है, भावना की भूखी है माँ और भावना ही एक तार है, भावना की भूखी है माँ और भावना ही एक तार है, भाव बिना सब कुछ दे डाले तो माँ लेती नहीं, भाव बिना सब कुछ दे डाले नहीं, भाव बिना सब कुछ दे डाले तो मां लेती नहीं, भाव बिना सब कुछ दे डाले तो मां लेती नहीं, भावना से भावना से भावना से एक पुष्प भी, भावना से एक पुष्प भी स्वीकार है, भावना से एक पुष्प भी से तुमको स्वीकार है, भावना से एक पुष्प भी से तुमको स्वीकार है, भावना की भूखी है माँ पर भावना ही एक तार है, तो बेड़ा पार है, भावना से जो मन भजे उसका तो बेड़ा पार है, भावना की जहो भावना की जहो भावना की भूखी है माँ और भावना ही एक तार है, भावना की भूखी है माँ और भावना ही एक तार है, लेता है माँ की शरण, जो भी भक्ति भाव रख कर लेता है माँ की शरण, जो भी भक्ति भाव रख कर लेता है माँ की शरण, जो भी भक्ति भाव रख कर लेता है माँ की शरण, उसके दिल का माँ के
सार है भाग्य और उसके दिल का रहता एक तार है भाग्य और उसके दिल का रहता एक तार है भावना की भूखी है माँ और भावना ही एक तार है जयपाल जी से वह अपना एक भजन माँ के चरणों में प्रस्तुत करेंगे जयपाल जी मायनी माय तेरे सोने सोने मंदिर चतुर जामा दिल न करे मायनी माय तेरे सोने सोने मंदिर चतुर जामा दिल न करे मायनी माय तेरे सोने सोने मंदिर दिल दौड़ दौड़ मंदरा जो टुर जावा दिल ना करे चरणा दे विच सारी जिंदगी गुजार देवा 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 एक पल होवा ना परे मायनी माय तेरे सोने सोने मंदरा जो टुर जावा दिल ना करे मायनी माय तेरे सोने सोने मंदरा जो टुर जावा दिल ना करे मायनी माय तेरे सोने सोने मंदरा जो टुर जावा दिल ना करे
माए तेरे सोने सोने मंदराज तुर जावा दिल नाचे
ਬਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਰੰਗੀਲਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾ ਪਸੀਨਾ ਰੱਜ ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇ ਮਾਏ ਦੀ ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੰਦਰ ਦੁਰਜਾ ਬਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ ਮਾਏ ਦੀ ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੰਦਰ ਅੱਜ ਦੁਰਜਾ ਬਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुर्भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् दुर्गे स्मृताहर्षिभीतिमशेषयन्तो स्वस्थ्यै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखवैहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणी नमोस्तु ते हे मई मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों इस प्रकार माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के चरणों में बैठकर हम सब ने बड़े आनंद के साथ माँ भगवती की स्तुति की पाठ किया सत्संग किया। माँ भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे द्वारा जो आज आपकी स्तुति पाठ सत्संग किया गया है इसे आप हे माँ प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और अपना आशीर्वाद हमें दो। माँ की ओर से आप सब भक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संततिवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरिभूति करणे दानैकनिष्ठो भव तेजस्वी भव वैरी दर्प दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभोर्भव पाद पूजन रतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां उदयस्तव। माँ भगवती आप शरणागत भक्तजनों के दीर्घायु करें। आप संततिवान हो लक्ष्मी से युक्त हो यशस्वी हो विद्वान हो अनेक प्रकार की दान पुण्य करने में आपकी सामर्थ्य बनी रहे आप तेजस्वी बने आपके शत्रुओं का नाश हो व्यापार तथा कारोबार में आप दिन प्रतिदिन उन्नति को अग्रसर हो और माँ भगवती सदैव आप भक्तों पर
इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखे, आपका तथा आपके परिवार का कल्याण हो, मंगल हो। बोल सांचे दरबार की जय। तो इस समय माँ भगवती की आरती की वेला है। सभी भक्त बड़े प्रेम से माँ भगवती की आरती गाएंगे, सब मिलकर भक्ति भाव से माँ की आरती गाएंगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाधार हरि शोभा
परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके गुफा के द्वार पर पधार चुके हैं। इस दिव्य गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तों के बीच में आएगी, बैठे बैठे शांतिपूर्वक आरती की वंदना करेंगे, तब तक माँ भगवती के नाम का संकीर्तन करेंगे, सब मिलकर के बोलेंगे दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली सभी भक्तजन माँ
माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतो निरामया, सर्वे संतो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः, 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 भक्तजन शांतिपूर्वक बैठकर मां भगवती की आरती का आनंद लेंगे। अब परम पूज्य पुजारी जी आरती आरंभ करते हैं। जय माता की। वंदना द्वितीय राज गणेश द्वितीय शिवराय शारदा कार्य करो हमेश जय मां आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण मैयाच पहर जो सतगरी जो चरना दा जान चक्रेशु जापवर्गं चोलं भजन्निर्जिरा संगम
कंदर शंकर नाम सर्वांग भूषा विराम नीला सुमद्रि मास पाद दशकाम सेवे महाकालिका जामस्तो सविदेह कमलजम हंसम गंधम शक्तिमशिम जगम जलदम गंता सुरावाजनम चोलम पाद दुदर्शने चतुर्भि हस्ते प्रसन्नायणाम देवे देव मर्दनी महिमा लक्ष्मी सरोजस्यताम घंटा शूलालाली शंखमुसले चक्रम धनुसायकम अक्षाकेतलकिङ्करान्तविरसा चीता चतुर्याप्रमाण दोरी देव समद्भवान्तिजगताम् आधारभूता महा पूर्वा मत्र सरस्वती मनोरे शुम्भादिकान्यनि तुमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव वन्दोऽस्तु त्वमेव विद्या दैवं त्वमेव त्वमेव सर्वं देवदेव शान्ताकारं भुजगजयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं करुणसदृशं देववरणं सुवर्णम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगिरिर्जानगङ्गं वन्दे विष्णुमवयं सर्वलोकैकनाथं अचितं केशवं रामनारायणं सुधामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे मुरारे मुदे मुरारे गोविन्द गोपालमस्मिन् किशोरे आनन्द देवी विद्यापदेवी भगवन् नमस्ते सत्या ज्योता वाली माता तेरी सदा हरि भोला रानी माता तेरी सदा गर्दा बला चंद वाली माता तेरी सदा सारे संसार विश्रांति लेने वाली माता तेरी सदा खुला चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा गुमा बिच निवास करने वाली माता तेरी सदा रंकड़ा भी ठागर तेरी सदा सच्चे दरबार की जय धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्वकार भारतवर्ष महादेव गुरु बाबा श्री सनातन धर्म की गौ माता की जय बोलो सत्य दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सत्य दरबार की जय परिगुणं तदस्तुमेव आशीर्वाद प्राप्त हो सबकी मनोकामना पूरी हो जकारा शरावाली दा।